नमस्कार, सत श्री अकाल। आई एम योर एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड अमित कपूर। आज मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ मंथली फोरकास्ट, मंथ फॉर नवंबर 2018। गाइज, माई ओल्ड प्रडिक्शन आर बेस्ड ऑन योर असेंडेंट साइन, नॉट फॉर योर मून साइन, नॉट फॉर योर जॉडिक साइन। प्रडिक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ बातें डिस्कस करना चाहता हूँ जो आपके लाइफ से रिलेटेड हैं, आपकी प्लानिंग से रिलेटेड हैं। गाइज, एस्ट्रोलॉजी में मैंने देखा है बहुत सारे मेरे दोस्त यूट्यूब से नंबर लेकर मेरे को फ़ोन करते हैं या ईमेल आईडी पे ईमेल भेजते हैं, जो हमेशा ये पूछते हैं कि सर एस्ट्रोलॉजी वर्क करती है कि नहीं। तो मैं सबको ये बताना चाहता हूँ, पहले भी बता चुका हूँ, एस्ट्रोलॉजी 100% वर्क करती है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी आपकी किस्मत को बदल नहीं सकती। एस्ट्रोलॉजी सिर्फ आपकी किस्मत के बारे में बता सकती है। कोई भी एस्ट्रोलॉजर, नो बॉडी कैन चेंज योर फॉर्च्यून, नो बॉडी कैन चेंज योर डेस्टिनी। आपके मुकद्दर में जो लिखा है वो आपको मिलेगा। अच्छा लिखा है तो अच्छा मिलेगा, बुरा लिखा है तो कोई भी एस्ट्रोलॉजर से, अगर किसी भी एस्ट्रोलॉजर से आप कंसल्ट करते हो तो अपनी रेमेडी या वर्शिप के थ्रू उस बुरे की मात्रा को थोड़ा कम कर सकता है। आई गिव यू वन एग्जाम्पल गाइज, अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर को अपना हॉरोस्कोप चेक करवाते हो और वो आपको ये बताता है कि आने वाले एक महीने में या 15 दिनों में या 2 महीने में आपका कोई नुकसान होने वाला है, जैसे कि सपोज करो किसी एस्ट्रोलॉजर ने आपको ये प्रेडिक्ट किया कि आपके घर में चोर आने वाले हैं, चोरी होने वाली है, तो आप क्या करोगे उस समय? एस्ट्रोलॉजर ने आपको ये बताया कि मंथ ऑफ फेब में आपका हॉरोस्कोप मैंने देखा है, आपका कुछ नुकसान हो सकता है, कुछ आपकी वैल्यूएबल चीज़ आपकी मिसप्लेस हो सकती है या कुछ चोरी हो सकती है, तो आप अपनी सारी कीमती चीज़ों को और अपने कैश को अपने लॉकर में डिपॉजिट करवा दोगे। उसी तरीके से गाइस, एस्ट्रोलॉजी एक आपको अवेयर करती है, गाइडेंस देती है, डायरेक्शन देती है, ना कि आपका भाग्य बदलती है। जो भी लोग मुझे कॉन्टैक्ट करते हैं, जो भी मेरे दोस्त मुझे कॉन्टैक्ट करते हैं, वो ये चीज़ को माइंड में रख के चलें कि एस्ट्रोलॉजी में कोई भी किसी की किस्मत नहीं बदल सकता। मुकद्दर जो आप लिखवा कर आए हो आपको सिर्फ वही मिलेगा। एस्ट्रोलॉजर सिर्फ आपको एक अच्छा गाइड कर सकता है, आपको बता सकता है कि आपके भाग्य में क्या चीज़ है, कब है, कैसे है, उसकी कितनी मात्रा है, या कौन सा तरीका है ऐसा कि आप अपनी हार्डवर्क को और ज़्यादा बढ़ाओ। ये समय कैसा है, ये दशाएँ कैसी हैं, ये अंतरदशा महादशा कैसी है। गाइज, ये सब बातें मैं आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ, मैक्सिमम मेरे दोस्त जो भी मुझे कॉल करते हैं, ईमेल भेजते हैं, वो अक्सर मुझे फ़ोन पे ये बोलते हैं कि सर कुछ ऐसा करो जिससे हमारी किस्मत बदल जाए। गाइज, किस्मत कभी किसी की चेंज नहीं हो सकती। आपकी वर्शिप, आपकी डेडिकेशन आपके काम के प्रति, आपकी वर्शिप अपने भगवान अपने लॉर्ड के प्रति, आपकी ऑनेस्टी अपने वर्क के प्रति और आपका हार्ड वर्क ही आपके लक को बदल सकता है। अदरवाइज जो आपके भाग्य में लिखा है वो आपको मिलके रहना है, जो नहीं लिखा वो आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। एस्ट्रोलॉजी में प्लैनेट्स की ट्रांजिट की जो हम लोग प्रेडिक्शन करते हैं वो इसलिए करते हैं कि आप लोग अवेयर होके चलो, आपको ये पता हो कि मंथ ऑफ नवंबर, मंथ ऑफ दिसंबर या नया साल 2019 आपके लिए कैसा आने वाला है, आप उस तरह से अपने लाइफ को प्लान करके चलो। हम लोग इसलिए प्रेडिक्ट नहीं करते कि आप हमें फ़ोन कॉल करो और हमें ये बोलो वी नीड टू चेंज अवर फॉर्चून, यू नो, एंड कैन यू प्लीज़ हेल्प मी सर। सो नोबडी कैन हेल्प यू, आपकी कोई भी इस चीज़ में मदद नहीं करेगा, क्योंकि किस्मत बनाने वाला और किस्मत बदलने वाला सिर्फ भगवान है। सो गाइज, आप जो भी करते हो शिद्दत से करो, हार्डवर्क होके करो, डेडिकेटेड होके करो, रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है उसके लिए यूट्यूब पे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर हैं जो अपने अपने ज्ञान को बांटते हैं, अपनी अपनी नॉलेज को आप लोगों तक पहुँचाते हैं। उनका पर्पस क्या होता है? आप लोगों को सीधे रास्ते पर डालना। एस्ट्रोलॉजर का पर्पस ये नहीं होता कि आप लोगों को मिसगाइड करना। सो गाइज, अब स्टार्ट करते हैं मंथ ऑफ नवंबर 2018 का मंथली फोरकास्ट। माई ओल्ड प्रेडिक्शन आर बेस्ड ऑन योर असेंडेंट साइन, लेट्स स्टार्ट फॉर द एरिस असेंडेंस। मेष लगन के लोगों के लिए नवंबर 2018, गाइज आपके लिए 6 नवंबर से आपका रूलिंग प्लैनेट एग्जाल्टेड साइन को छोड़कर, आपके 10th हाउस को छोड़कर, आपके असेंडेंस से आपके 11th हाउस में ट्रांजिट करना शुरू करेगा। गाइज, 11th हाउस में आपके असेंडेंस का ट्रांजिट, आपके असेंडेंस लॉर्ड का ट्रांजिट बहुत ही पॉजिटिव है। गाइज, 10th हाउस को छोड़कर आपके 11th हाउस में मार्स का ट्रांजिट आपके असेंडेंस से बहुत ही रिवार्डिंग और पॉजिटिव है। इसमें आपके फाइनेंसिस बहुत अच्छे होंगे। 6 नवंबर के बाद आपके कॉन्टैक्ट हायर अथॉरिटी से बनेंगे, आपके बड़े अच्छे रिलेशनशिप अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लीग्स के साथ आप बनेंगे, आपको अपने दोस्तों से, फैमिली से बहुत अच्छी सपोर्ट मिलेगी, बड़े भाई बहनों से आपको सपोर्ट मिलेगी। कुछ ऐसा नवंबर 2018 में होगा जो आप काफ़ी समय से करना चाह रहे हो। सो गाइज, आपके लिए इस समय में प्रोफेशनल लाइफ के लिए पूरी शिद्दत के साथ काम करना, हार्डवर्क
वर्क करना, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो 6 नवंबर के बाद आपके लिए टाइम काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव है, क्योंकि आपका रूलिंग प्लैनेट आपके एसेंडेंस का लॉर्ड आपके एसेंडेंस से 11th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है। नवंबर मंथ में आपके लिए फॉर्चून आपके फेवर में रहेगा। अगर किसी किस्म की कुछ दिक्कत मुझे बनती हुई दिखती है, क्योंकि आपके भाग्य का मालिक जुपिटर 8th हाउस में स्कॉर्पियो साइन में ट्रांजिट कर रहा है नवंबर के मंथ में, गाइज आपके लिए आपका भाग्य थोड़ा सा स्लो जरूर रहेगा, लेकिन सैटर्न की प्रेजेंटेशन डायरेक्ट मोशन में आपके 9th हाउस में, वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। गाइज आपके सारे काम बनेंगे, आपकी एक्सपेक्टेशन से थोड़ा स्लो चलेंगे। जो लोग फॉरेन के लिए डील करते हैं उनके लिए नवंबर 2019 बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि जुपिटर का एस्पेक्ट आपके 12th हाउस में है, आपको फॉरेन से नए कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं, फॉरेन से नया ऑर्डर मिल सकता है, फॉरेन जर्नी हो सकती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में अनएक्सपेक्टेड गेन्स हो सकते हैं। जुपिटर का सेकंड एस्पेक्ट आपके सेकंड हाउस में होने की वजह से इस मंथ में, और मार्स का आपके 11th हाउस में होने की वजह से आपकी सेविंग्स में राइज होगा, फाइनेंस आपके अच्छे होंगे, आपके एक्सपेंडिचर जरूर स्काई हाई रहेंगे, बट यू हैव ए अबिलिटी, यू आर एबल टू मैनेज योर ऑल एक्सपेंसेस। सो गाइज आपके लिए नवंबर 2018 में पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ना, जो भी कोई नया डिसीजन आप लेना चाहते हो सेकंड पार्ट ऑफ द मंथ में आपके लिए ज़्यादा प्रोडक्टिव है। नई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, सेकंड पार्ट ऑफ द नवंबर में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव है। सो गाइज आपके लिए इस मंथ में हनुमान जी की उपासना करनी, महादेव की उपासना करनी, हर रोज सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर ओम नमो शिवाय बीज मंत्र का 108 मन के रुद्राक्ष का की चैंटिंग करनी, शिव चालीसा का उच्चारण करना, कच्चे दूध में थोड़े से काले तिल डालकर शिवलिंग पे अभिषेक करना, गाइज आपके लिए ये रेमेडी आपके भाग्य में चार चांद लगाएगी, आपकी मुकद्दर में चमक पैदा करेगी। जितनी ज़्यादा आप लॉर्ड शिवा की एवरीडे मॉर्निंग वर्शिप करेंगे, मुकद्दर आपका उतना फेवर में होगा, आपकी हार्डवर्क आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगी, आपकी स्ट्रगल स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होगी। एरिस एसेंडेंस नवंबर 2018 में फैमिली से आपको बहुत बड़ी सपोर्ट मिलेगी, आपके पेरेंट्स आपकी पूरी हेल्प में रहेंगे, आपके फेवर में रहेंगे, स्पाउस के साथ आपके बहुत स्वीट और पोलाइट रिलेशनशिप रहेंगे, किड्स आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे, आपके साथ बहुत अच्छा आप क्वालिटी टाइम अपने किड्स के साथ अपनी फैमिली के साथ इस मंथ में स्पेंड करोगे। गाइज अगर मुझे कुछ नेगेटिव दिखता है, क्योंकि मार्स आपका 11th हाउस में एक्वेरियस साइन में है, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर जो गुस्सा है, जो आपके अंदर एक कंफ्यूजन है, एक गुस्सा है, एक किसी ना किसी चीज़ को लेकर अगर आप कंफ्यूज हो, उस चीज़ को अपने से दूर रखें, अपनी फैमिली लाइफ की ओर ध्यान दें, स्पाउस को कुछ टाइम दें, अपने पेरेंट्स को टाइम दें, बिकॉज नवंबर 2018 में आपके लिए बहुत अच्छी अचीवमेंट्स का समय शुरू हो रहा है। गाइस सैटर्न का डायरेक्ट होना आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, 9th हाउस में सैटर्न की प्लेसमेंट, आपको हर एक चीज़ में सक्सेस मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा डिले, आपके पेशेंस को शनि भगवान चेक करेंगे, आपके हार्डवर्क को शनि भगवान चेक करेंगे। जितने ज़्यादा आप पेशेंस रखोगे, जितना ज़्यादा हार्डवर्क करोगे, नवंबर 2018 उतना ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा आपके लिए। लेट्स स्टार्ट फॉर द टॉरस असेंडेंस। फॉर टॉरस असेंडेंस नवंबर 2018 गाइज आपके लिए इस मंथ में आपके असेंडेंस का लॉर्ड आपके 17th नवंबर तक आपके असेंडेंस से 6th हाउस में रेट्रोगेड मोशन में है। गाइस जो प्लैनेट्स की जो डायनामिक्स की पोजीशन है, जुपिटर आपके असेंडेंस से 7th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, मार्स इस मंथ में 6 नवंबर के बाद आपके 9th हाउस को छोड़कर आपके 10th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। गाइस आपके लिए ये मंथ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, लेकिन फर्स्ट पार्ट ऑफ द मंथ आपके लिए कुछ स्ट्रगलसम रह सकता है, आपकी कुछ अनबन अपने कलीग्स के साथ, अपने बिजनेस एसोसिएशंस के साथ हो सकती है, आपका माइंड थोड़ा डिस्टर्ब रह सकता है, क्योंकि आपके असेंडेंस का लॉर्ड आपके असेंडेंस से 6th हाउस में है और रेट्रोग्रेड मोशन में है। नो डाउट यहाँ पर वीनस ऑन साइन में है, लिब्रा साइन में ट्रांजिट कर रहे हैं, तो आपके लिए ज़्यादा नेगेटिव नहीं है, बट फिर भी कहीं ना कहीं आप डिसीजन लेने में चूकोगे, आप इस समय में सही डिसीजन नहीं ले पाओगे। अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो अभी बिल्कुल ना करें, अपने स्पाउस के साथ पोलाइट टॉक में रहें, जितना ज़्यादा आप डाउन टू अर्थ और हम्बल होकर चलोगे इस मंथ में उतना ज़्यादा आपको अचीवमेंट्स मिलेंगी। टॉरस असेंडेंट सिचुएशन अब आपके फेवर में है, क्योंकि जुपिटर का एस्पेक्ट आपके असेंडेंस पे है। गाइज आपके लिए जो प्लैनेट्स की पोजीशन है, जो डायनामिक्स हैं, आपके असेंडेंस से 8th हाउस में सैटर्न का ट्रांजिट आपके चीज़ों में डिले कर रहा है, लेकिन जुपिटर का ट्रांजिट 7th हाउस में आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रहा है। नवंबर 2018 में आपके पास फाइनेंसिस बहुत अच्छे रहेंगे, हेल्थ आपकी बहुत अच्छा फील करेगी, सेल्फ रिस्पेक्ट में गेन होगा, लेकिन वीनस का रेट्रोग्रेड होना 17th नवंबर तक, आप अगर कोई बड़ा डिसीजन ना लें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। गाइज अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो 17th नवंबर तक अपने ट्रैवल को डिले करें। गाइज किसी के साथ लड़ाई झगड़ा ना करें, पोलाइट टॉक्स में रहें, किसी को गलत शब्द का इस्तेमाल ना करें, अपनी ड्राइव को बढ़ाते रहें, अपने माइंड को स्टेबल रखें, क्योंकि सिचुएशन डे बाय डे आपके फेवर में है। 17th नवंबर के बाद जैसे ही वीनस आपका डायरेक्ट मोशन में होगा, तो गाइज आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ की का ढेर लगेगा, पैसा, प्रॉस्पेरिटी, फेम, पोजीशन राइजिंग, ये आप देखोगे। गाइज नवंबर में
सेकंड पार्ट ऑफ द मंथ के बाद आपके साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटित होंगी जो पॉजिटिव वे में आपके प्रोफेशनल लाइफ में आपके सोर्स ऑफ अर्निंग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। किसी मित्र से आपको बहुत अच्छी एडवाइस मिल सकती है, किसी दूर स्थान से आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है, आप फॉरेन ट्रैवल कर सकते हो, बट सेकंड पार्ट ऑफ द नवंबर में। गाइज, आपके लिए अपने सिस्टर के साथ बना के रखना, अपनी वाइफ के साथ अच्छे रिलेशनशिप में रखना, अपने स्पाउस के साथ, अगर आप मेल हो टॉरस असेंडेंट तो आप अपने वाइफ के साथ एक रिलेशनशिप पोलाइट रख के चलें। जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव होकर चलेंगे, रिश्तों को संभाल के चलेंगे, नवंबर 2018 आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लाएगा। फाइनेंस में राइज होगा, सेविंग में राइज होगा, सेल्फ रिस्पेक्ट में गेन होगा, लेकिन आप अपने जुबान पर लगाम रखें, किसी के साथ कोई हराश वर्ड का इस्तेमाल ना करें। जितने ज़्यादा पीस ऑफ माइंड में रहेंगे, जितने ज़्यादा काम होकर चलेंगे, पेशेंस से चलेंगे, उतना ज़्यादा ये मंथ आपके लिए अपॉर्चुनिटीज लाएगा। गाइज, पेरेंट्स की फुल सपोर्ट आपको इस मंथ में रहेगी। फादर के जितने ज़्यादा फीट टच करेंगे, उतना ज़्यादा आपका फाइनेंस, आपका हेल्थ, आपकी गुडविल, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट में गेन होगा। आपके लिए, क्योंकि जुपिटर आपके असेंडेंस को देख रहा है, अपने फादर की हेल्थ का ध्यान रखना, अपने फादर के साथ अच्छे संबंधों में रहना, उनको रोज़ सुबह उठ के उनके चरण स्पर्श करने, आपके लिए सबसे बड़ी रेमेडी है। गाइज, अब मैं आपको बताऊंगा नवंबर की कुछ ऐसी रेमेडीज़, अगर आप वो करोगे तो फॉर्चून आपका आपके फेवर में होगा और आपकी हार्डवर्क स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होगी। गाइज, आपके लिए 800 ग्राम काला नमक कच्ची ज़मीन में दबाएं सैटरडे वाले दिन, रेगुलर हर सैटरडे इन नवंबर 2018। सेकंड रेमेडी, लक्ष्मी चालीसा का उच्चारण करें फर्स्ट हाफ ऑफ द नवंबर में। 8 kg वीट, शुगर और राइस, इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ आप धर्म स्थान में, मंदिर या गुरुद्वारे में, लंगर घर में दें। थर्ड रेमेडी, रोज सुबह उठकर लक्ष्मी चालीसा का उच्चारण करें, एवरी वेनसडे को गणेश जी को लड्डुओं का भोग लगाएं। अगर आप ये सारी रेमेडीज पूरी श्रद्धा के साथ करते हो तो गाइज, इस मंथ में आपकी स्ट्रगल आपको बहुत अच्छा पे ऑफ करेगी, आपका हार्डवर्क स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होगा। लेट स्टार्ट फॉर द जेमिनी असेंडेंस। फॉर जेमिनी असेंडेंस नवंबर 2018, गाइज, फॉर यू, आपके लिए इस मंथ में मरकरी का आपके असेंडेंस से 6th हाउस में ट्रांजिट करना। गाइज, ये मंथ आपके लिए जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द मंथ है, कुछ स्ट्रगलसम है, आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। सैटर्न आपके असेंडेंस से 7th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, जिस वजह से आप अपने टारगेट्स की ओर कंसंट्रेट नहीं कर सकोगे, अपने गोल्स को अचीव करने में आपको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा, बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी, बहुत उलझनों से होकर आप अपने गोल तक पहुंचोगे। गाइज, उसके लिए आपको अपने माइंड को स्टेबल रखना पड़ेगा, फालतू की बातों की ओर ध्यान नहीं देना पड़ेगा। जितना ज़्यादा आप होमली एटमोसफेयर अपना पॉजिटिव रखोगे, उतना ज़्यादा इस मंथ में आप राइज करोगे और आपकी स्ट्रगल आपको स्वीट सक्सेस में आपकी कन्वर्ट होगी और आपको अच्छा पे ऑफ करेगी। जो डायनामिक्स की इस समय पोजीशन है जेमिनी असेंडेंस, वो आपके लिए ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। गाइज, आपके लिए इस मंथ में अपनी कीमती चीज़ों को संभाल कर रखना, किसी पे ट्रस्ट नहीं करना, किसी भी डॉक्यूमेंट्स पे बिना पढ़े हुए साइन नहीं करना, किसी की जिम्मेवारी में नहीं फंसना, किसी को कुछ भी साइन करके नहीं देना। गाइज, आपके लिए इस मंथ में कुछ चीटिंग के योग मुझे बनते हुए दिखते हैं। जो प्लैनेट्स की पोजीशन है, जुपिटर भी आपके असेंडेंस से 6th हाउस में स्कॉर्पियो साइन में ट्रांजिट कर रहे हैं, मरकरी भी फर्स्ट पार्ट ऑफ द मंथ में आपके 6th हाउस में ट्रांजिट करेंगे, तो गाइज, आप कुछ डबल माइंडेड रह सकते हो, कंफ्यूज रह सकते हो, आपके इन्वेस्टमेंट्स आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग रिजल्ट्स नहीं देंगे, आपको रिटर्न्स वैसी नहीं होंगी जो आप चाहते हो, जो आप डिजर्व करते हो। गाइज, इस मंथ में आप जितना ज़्यादा पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ेंगे, अपने माइंड को क्लियर करके चलेंगे, आप अपने विजन को दूर की सोच के चलेंगे, उतना ज़्यादा आप इस मंथ में राइज करेंगे। अदरवाइज आपको इस मंथ में लिटिगेशन में आप इन्वॉल्व हो सकते हो, कोर्ट कचहरी में आपका आना जाना लगा रह सकता है, आप लड़ाई झगड़े का हिस्सा बन सकते हो, माइंड आपका डिस्टर्ब रह सकता है, नेगेटिव थिंकिंग आपके ऊपर काफ़ी हावी रहेगी, फैमिली लाइफ आपकी सफ़र करेगी, फैमिली एटमॉस्फेयर ज़्यादा पॉजिटिव नहीं रहेगा। सो गाइज, आपके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, क्योंकि प्लैनेट्स की पोजीशन वैसी नहीं है जैसी आप चाहते हो। गाइज, आपके लिए इस मंथ की रेमेडी, 800 ग्राम गुड़ संडे वाले दिन चलते पानी में जल प्रवाह करें, वेनसडे वाले दिन लॉर्ड गणेश जी के मंदिर में विजिट करें और उनको लड्डुओं का भोग लगाएं, उनको लड्डू ऑफर करें। गाइज, जितना ज़्यादा आप गणेश चालीसा का उच्चारण करेंगे एवरीडे मॉर्निंग, जितना ज़्यादा आप गणेश जी की उपासना करेंगे हर रोज़ सुबह, उतना ज़्यादा गुड फॉर्चून आपके फेवर में होगा और आपका माइंड स्टेबल रहेगा। क्योंकि मुझे जेमिनी असेंडेंस जहाँ तक दिखता है, सिचुएशन तो नेगेटिव है, प्लैनेट्स इस समय ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, लेकिन आपका माइंड ज़रूरत से ज़्यादा नेगेटिव हो सकता है। गाइज, इस मंथ में आप जितना ज़्यादा पॉजिटिव होकर आगे बढ़ेंगे, अपनी ड्राइव को बढ़ाकर चलेंगे, अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करेंगे, प्लानिंग के साथ सारा काम करेंगे, उतना ज़्यादा आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अभी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने का समय नहीं है,
सो गाइज, जो लोग स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए भी ये मंथ कुछ स्ट्रगलसम रह सकता है। ओवरऑल गाइज, आपके लिए लॉर्ड गणेशा की चैंटिंग करना, गणेश लीसा का उच्चारण करना और गणेश जी के टेम्पल में विजिट करना आपके सक्सेस के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। लेट्स स्टार्ट फॉर द कैंसर असेंडेंस। फॉर कैंसर असेंडेंस नवंबर 2018 गाइज, फॉर यू, आपके लिए मार्च 6 नवंबर से आपके 7th हाउस को छोड़कर आपके 8th हाउस में ट्रांजिट करेगा। आपके 10th हाउस का लॉर्ड आपके राहु केतु के एक्सिस से बाहर निकल के आपके 8th हाउस में ट्रांजिट करना शुरू करेगा। गाइज, आपके लिए, क्योंकि आपके असेंडेंस से में राहु केतु चल रहे हैं, नो डाउट स्ट्रगल है, लेकिन जुपिटर आपके लिए इस मंथ में सेविंग ग्रेस है। आपके 5th हाउस में जुपिटर का ट्रांजिट स्कॉर्पियो साइन में फाइनेंशियल टाई अप्स को लेकर बहुत अच्छा मंथ जाएगा, फाइनेंस को लेकर बहुत अच्छा मंथ जाएगा। आपके कॉन्टैक्ट्स हायर अथॉरिटी के साथ बनेंगे, फॉर्चून आपका फेवर में रहेगा, गुड गेन्स आपको हो सकते हैं। जो लोग स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए प्लान कर रहे हैं उनके लिए नवंबर 2018 बहुत पॉजिटिव है। गाइज, आप जितना ज़्यादा पॉजिटिव होकर आगे बढ़ेंगे, गुड फॉर्चून उतना ज़्यादा आपके लिए स्माइल करेगा। आपके लिए फाइनेंसिस डे बाई डे इम्प्रूव होंगे। गाइज, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी, आपके दोस्त, आपकी फैमिली आपके सपोर्ट में अब खड़ी होगी। नवंबर 2018 आपके लिए बहुत पॉजिटिव मंथ जाएगा। अगर आप ऑलरेडी शिव जी की उपासना कर रहे हैं, महादेव की उपासना कर रहे हैं, ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हैं या शिव चालीसा का उच्चारण कर रहे हैं, क्योंकि राहु केतु अभी भी आपके असेंडेंस और 7th हाउस में है, सेविंग ग्रेस आपके हॉरोस्कोप में ये है कि जुपिटर का 5th हाउस में ट्रांजिट और जुपिटर का 9th एस्पेक्ट आपके असेंडेंस पे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को गेन देगा, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ेगी। इस मंथ में जो क्वेश्चन मार्क कैंसर असेंडेंस के साथ बीते काफ़ी समय से लगे हुए थे, उस क्वेश्चन मार्क को आप रिमूव करने में सक्सेस हो सकते हो। गाइज, अब जितना ज़्यादा डेडिकेशन के साथ, हार्ड वर्क के साथ आप इस मंथ में अपने काम करेंगे, आप जितना ज़्यादा क्लियर कट होकर चलेंगे, उतना ज़्यादा गुड फॉर्चून आपके लिए स्माइल करेगा। गाइज, आपको इस मंथ में कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं जो फॉरेन से लिंक्ड होंगी। आप फॉरेन ट्रैवल पे जा सकते हो या फॉरेन में कोई नए दोस्त बन सकते हैं जो फ्यूचर में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। गाइज, आपके लिए इस मंथ में माइंड को क्लियर रखना, पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ना, जितना ज़्यादा आप लॉर्ड शिवा की उपासना करेंगे, जितना ज़्यादा आप शिव चालीसा का उच्चारण करेंगे, मंडे की फास्टिंग करेंगे अगर आप कर सकते हो तो, और आप जितना ज़्यादा शिवलिंग पे कच्चा दूध चढ़ाएंगे, कच्चे दूध से अभिषेक करेंगे, उतना ज़्यादा गुड फॉर्चून आपके लिए स्माइल करेगा। लेट्स स्टार्ट फॉर द लियो असेंडेंस। फॉर लियो असेंडेंस गाइस, आपके लिए नवंबर 2018 आपका रूलिंग प्लैनेट आपके असेंडेंस में 3rd हाउस में ट्रांजिट करेगा। फर्स्ट पार्ट ऑफ द नवंबर में सन डेब्यूटेटेड साइन में 3rd हाउस में ऑन साइन वीनस के साथ ट्रांजिट कर रहा है और रेट्रोग्रेड वीनस आपके 17th नवंबर तक 3rd हाउस में है। गाइस, नीच भंग योग भी बन रहा है इस मंथ में आपके लिए, क्योंकि सन का वीनस के साथ जो कंजक्शन है ये नीच भंग योग का निर्माण कर रहा है। तो गाइज, आपको फाइनेंस बहुत अच्छा आपको रहेगा, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आएंगी, आपको बहुत अच्छी अच्छी प्लानिंग्स आप एग्जीक्यूट करोगे अपने दिमाग के ज़रिए। आप अपने छोटे भाई बहनों के साथ आपके बहुत अच्छे रिलेशन रहेंगे, कम्युनिकेशंस में गैप नहीं आने चाहिए। अपने बिजनेस एसोसिएट्स के साथ, अपने आपका जो भी आपका सिस्टम है, बिजनेस करते हो, जॉब करते हो, कम्युनिकेशंस के थ्रू इस मंथ में मुझे कुछ अनएक्सपेक्टेड गेन्स बनते हुए दिखते हैं। शॉर्ट जर्नी सक्सेसफुल होती हुई दिखती हैं, फाइनेंसिस अच्छे होते हुए दिखते हैं, फैमिली लाइफ बड़ी पॉजिटिव रहेगी, फैमिली एटमोसफेयर आपका स्काई हाई रहेगा, बहुत अच्छा टाइम आप अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करोगे, एक क्वालिटी टाइम आप अपने स्पाउस को दे पाओगे। इस मंथ में पॉजिटिव चीज़ें बहुत सारी हैं, जैसे कि आपके रुका हुआ पैसा आपको वापस मिल सकता है, अगर आपने लोन अप्लाई किया है तो लोन आपका हो सकता है, माइंड आपका बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा, हेल्थ आपकी बड़ी एनर्जी आप फील करोगे, हेल्थ आपकी बड़ी अच्छी रहेगी। गाइज, इस समय में अगर आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो आप चाहे नवंबर के फर्स्ट पार्ट में करो चाहे सेकेंड पार्ट में, आपके लिए पीरियड बिजनेस एक्सपेंशन को लेकर बहुत ही प्रॉमिसिंग है। 2018 लियो असेंडेंस आपके लिए कुछ ना कुछ रिवार्ड, कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज़ें आपकी लाइफ में, या कुछ ना कुछ पॉजिटिव बेस बनाकर आपकी लाइफ में जाएगा, जो नियर फ्यूचर में 2019 में आप उस बेस का एडवांटेज ले सकोगे। गाइस, जितना ज़्यादा पॉजिटिव होकर आगे बढ़ेंगे, भगवान पे विश्वास रखेंगे, अपने पिता के चरण स्पष्ट करेंगे, आदित्य हृदय स्त्रोत्र का जाप करेंगे, 800 ग्राम कनक चलते पानी में जल प्रवाह करेंगे संडे मॉर्निंग, उतना ज़्यादा ये मंथ आपके लिए पॉजिटिव रहेगा और रिवार्डिंग रहेगा। लेट्स स्टार्ट फॉर द विर्गो असेंडेंस। फॉर विर्गो असेंडेंस नवंबर 2018 गाइस, फॉर यू, इस मंथ में वीनस का रेट्रोग्रेड होकर आपके सेकंड हाउस में लिब्रा साइन में सन के साथ नीच भंग योग का निर्माण करके ट्रांजिट करना आपके फाइनेंसिस को बहुत अच्छा करेगा, आपकी सेविंग्स को राइज करेगा, आपको अनएक्सपेक्टेड गेन्स होंगे,
फाइनेंसिस आपके बहुत अच्छे रहेंगे, एक्सपेंडिचर्स इस मंथ में आपको इरिटेट नहीं करेंगे, सेविंग्स आपकी डे बाय डे राइज करेगी, हेल्थ आपकी बहुत पॉजिटिव रहेगी। आपको गाइज इस मंथ में आप एनर्जी से अपने आप को बहुत ज़्यादा आप ऊर्जावान महसूस करोगे। थर्ड हाउस में जुपिटर का ट्रांजिट गाइज आपके लिए इस मंथ में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आएगा, बहुत रिवार्ड्स लेकर आएगा। अगर आप जॉब करते हो सीनियर्स के साथ आपकी बहुत अच्छी बाउंडेशंस रहेंगी, अंडरस्टैंडिंग रहेंगी, आपके काम को अप्रिशिएट किया जाएगा, आपके हार्डवर्क को अप्रिशिएट किया जाएगा। आप जितना ज़्यादा पॉजिटिव होकर इस मंथ में अपने प्लान्स एग्जीक्यूट करेंगे अपने बिजनेस में, उतना ज़्यादा आपको एडवांटेज मिलेगा। विर्गो सैनस जुपिटर का ट्रांजिट आपके थर्ड हाउस में आपके लिए ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रहा है। आपका फॉर्चून 10 times प्लस हो जाएगा। सेकंड पार्ट ऑफ द नवंबर में आप रिलीजियस जर्नी पे जाओगे, फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करोगे, फैमिली एटमॉस्फेयर आपका बहुत पॉजिटिव रहेगा, धार्मिक यात्रा करोगे, उस धार्मिक यात्रा से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। गाइज आपके लिए इस मंथ में धार्मिक यात्रा करनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आप धर्म को मानेंगे, जितना ज़्यादा रिलीजियस जर्नी पे जाएंगे, जितने ज़्यादा स्पिरिचुअल होके चलेंगे, उतनी ज़्यादा सिक्स सेंस आपकी वर्क करेगी, इंट्यूशंस पावर आपकी वर्क करेंगी और आप कोई भी गलत डिसीजन नहीं लोगे, ऑटोमेटिकली आप एक अच्छे ट्रैक पे चलोगे। गाइज मैं इसलिए आपको ये सब चीज़ें बता रहा हूँ, आपका रूलिंग प्लैनेट की जो पोजीशन है आपके थर्ड हाउस में फर्स्ट पार्ट ऑफ द नवंबर में, कहीं ना कहीं कुछ छोटी मोटी गलती आप अपने बिजनेस को एक्सपेंशन करने के चक्कर में कर सकते हो, कर्ज ले सकते हो, लोन ले सकते हो, जो नियर फ्यूचर में आपको थोड़ा सा इरिटेट करेगा। ऐसा नहीं कि आपके सोर्स ऑफ इनकम कम होंगे, विर्गो सैनस आपके सोर्स ऑफ इनकम काफी ज्यादा अच्छे रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, लेकिन ओवरऑल जो प्लैनेट्स की पोजीशन है वो आपके लिए ऐसी है कि अगर आप अभी कर्ज ना लें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। जितना ज़्यादा कर्ज के नाम से दूर रहेंगे, जितना ज़्यादा अपनी पॉकेट के हिसाब से अपना खर्च करेंगे, आप अपने बिजनेस को उतना एक्सपेंड करें जितने आपकी जेब में सेविंग है, जितने आपके पास पैसे हैं। सो गाइज पॉजिटिव होकर इस मंथ में आगे बढ़ें, अपने मदर के साथ, अपनी छोटी सिस्टर के साथ अपनी एक ट्यूनिंग और अंडरस्टैंडिंग बना के चलें। जितना ज़्यादा आप अपनी मदर की ब्लेसिंग्स लेंगे, जितना ज़्यादा छोटी एल्डर सिस्टर को आप कुछ ना कुछ गिफ्ट देते रहेंगे इस मंथ में, उतना ज़्यादा गुड फॉर्चून आपके लिए स्माइल करेगा। लेट्स स्टार्ट फॉर द लिब्रा असेंडेंस गाइज फॉर यू नवंबर 2019। आपके असेंडेंस का लॉर्ड आपके असेंडेंस में रेट्रोग्रेड मोशन में 17 नवंबर तक सन के साथ नीच भंग योग बना रहा है। एनर्जी की इस मंथ में कोई कमी नहीं, फुल ऑन एनर्जी है, पॉजिटिव हेल्थ है, थिंकिंग बड़े हाई एंड पे है, प्लानिंग्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, चीज़ें होती हुई दिख रही हैं, बनती हुई दिख रही हैं, प्लैनेट्स की पोजीशन आपके सेल्फ रिस्पेक्ट में गेन हो रहा है। जुपिटर का सेकंड हाउस में ट्रांजिट आपको डेप्स आपके क्लियर कर रहा है। अगर आपके ऊपर बैंक के डेप्स हैं, आपके ऊपर आम लोगों का कर्ज है, वो आपका क्लियर होगा। जुपिटर का फिफ्थ एस्पेक्ट आपके सिक्स्थ हाउस पे आपकी हेल्थ को अच्छा करेगा, फाइनेंसिस आपके बेटर करेगा। आपके जुपिटर की सेकंड हाउस में ट्रांजिट आपकी सेविंग्स में राइज दिलाएगा, नई पार्टनरशिप हो सकती है, बिजनेस एक्सपेंशन हो सकता है, शॉर्ट जर्नीज के थ्रू गेन्स हो सकते हैं। सेकंड पार्ट इस मंथ का बहुत ही रिवार्डिंग रहेगा। असेंडेंस का लॉर्ड जैसे ही डायरेक्ट मोशन में ट्रांजिट करना आपके असेंडेंस में शुरू करेगा, आपके मुकद्दर में चमक आएगी। गाइज आपकी हार्ड वर्क आपको बहुत कुछ पे ऑफ करेगी, आपकी स्ट्रगल स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होगी, फाइनेंसिस आपके बेटर होंगे, फैमिली एटमॉस्फेयर बेटर होगा, फैमिली के साथ आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, फ्रेंड्स के साथ आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। गाइज आपकी पर्सनालिटी में एक अजीब सी चमक होगी, सामने वाले लोग आपकी इस चमक को लेकर हैरान रहेंगे कि लिब्रा असेंडेंस के में जो प्लैनेट्स की पोजीशन है, ऐसी क्या पॉजिटिव चीज़ है इस पर्सन के अंदर की जो इतना शाइन कर रहा है। सो गाइज ये मंथ आपके लिए कुछ अचीवमेंट से भरा है, अपॉर्चुनिटीज से भरा है। लेडीज से आपको बड़ा अच्छा फेवर मिल सकता है, ऑपोजिट सेक्स से आपको काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल सकता है, स्पाउस आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। इस मंथ में आप जितना ज़्यादा पॉजिटिव होकर आगे बढ़ेंगे, लक्ष्मी चालीसा का उच्चारण करेंगे, जितना ज़्यादा आप अपनी वाइफ के साथ अच्छे बाउंडेशन से चलेंगे, अपनी वाइफ को कुछ ना कुछ इस मंथ में गिफ्ट देते रहें, अपनी वाइफ के साथ पोलाइट स्वीट टॉक्स में रहें, क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, उतनी ज्यादा वीनस की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर रहेंगी, गुड फॉर्चून आपके लिए स्माइल करेगा। लेट्स स्टार्ट फॉर द स्कॉर्पियो असेंडेंस फॉर नवंबर 2019। गाइस फॉर यू इस मंथ में जुपिटर का आपके असेंडेंस में ट्रांजिट करना, मरकरी आपके जुपिटर के साथ कंजंक्शन करके आपके असेंडेंस में ट्रांजिट कर रहा है। गाइस फर्स्ट पार्ट में गाइज कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट्स मुझे हाई एंड पे बनते हुए दिखते हैं। आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाओगे, आप बहुत ज़्यादा रिलीजन को मानने लग जाओगे, आप हर रोज़ सुबह टेंपल विजिट करना शुरू कर दोगे, धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ जाएगी, माइंड आपका बड़ा स्टेबल रहेगा, आप अपने प्रोमिसज पे खड़े उतरोगे, जो कमिटमेंट किसी से करोगे आप वो पूरी करोगे क्योंकि आपके जुपिटर असेंडेंस में है। माइंड आपका बड़ा पॉजिटिव वे से चलेगा, फैमिली लाइफ आपकी बड़ी पॉजिटिव रहेगी, स्पाउस बहुत ज़्यादा आपसे अच्छे और पोलाइट रिलेशनशिप में रहेंगे आपके साथ, क्योंकि आपके जुपिटर इस समय आपके
आपके फिफ्थ, आपके सेवंथ और आपके नाइन्थ हाउस पे एस्पेक्ट डालेंगे। आपके असेंडेंस से ट्वेल्थ हाउस में वीनस रेट्रोग्रेड है लिब्रा साइन में। गाइज, नो डाउट कुछ अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स हैं। आप अपने घर को रेनोवेट कर सकते हो, घर पे कुछ पैसे लगा सकते हो, कुछ नया फर्नीचर बाय कर सकते हो, बट आपके सोर्स ऑफ अर्निंग आपके बहुत अच्छे रहेंगे। फाइनेंशियल टाइप्स को लेकर ये मंथ 10 out of 10 है। गाइज, आप जो भी करना चाहते हो करो। जो लोग फॉरेन में सेटल होना चाहते हैं उनके लिए मंथ स्कॉर्पियो सेंडस बहुत ज़्यादा रिवार्डिंग है, क्योंकि नाइन्थ हाउस में राहु का ट्रांजिट, ट्वेल्थ हाउस में वीनस का ट्रांजिट। होल नवंबर मंथ में आपके लिए फॉरेन से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, फॉरेन ट्रैवल होगा। जो लोग घूमने जाना चाहते हैं, हॉलीडेज पे जाना चाहते हैं, उनके लिए नवंबर का मंथ फॉरेन ट्रैवल के लिए बहुत ही रिवार्डिंग है। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं उनको कोई नई डील मिल सकती है, नया कॉन्टैक्ट मिल सकता है, फाइनेंशियल बेनिफिट्स हो सकते हैं। गाइज, ओवरऑल स्कॉर्पियो सैंडस ये आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव मंथ है, क्योंकि जुपिटर अपनी डायरेक्शन में आ गए हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन में आ गए हैं। डिग्रीकली अगर आपका असेंडस 0 से 5 डिग्री तक है तो ये जुपिटर का ट्रांजिट नवंबर मंथ में आपको बहुत अच्छे स्मार्ट और अनएक्सपेक्टेड गेन्स देगा। अगर आपका असेंडेंस 10 टू 15 या 10 टू 20 डिग्रीज पे है तो आपको अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा पॉजिटिव रिजल्ट्स के लिए, बट ओवरऑल यू आर ऑन राइट ट्रैक स्कॉर्पियंस। आपके लिए जितना ज्यादा विष्णु जी की उपासना करेंगे, जितना ज्यादा आप शिव जी की उपासना करेंगे, जितना ज्यादा हर रोज रात को आप संकट मोचन का उच्चारण करेंगे या हनुमान चालीसा का उच्चारण करेंगे, गुड फॉर्चून उतना ज्यादा आपके लिए स्माइल करेगा। इन्वेस्टमेंट्स अगर आप करना चाहते हो तो यह मंथ आपके लिए बहुत रिवार्डिंग है। नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो यह मंथ बहुत रिवार्डिंग है। जो लोग गोल्ड ज्वेलरी से काम करते हैं लिंक्ड, या जो लोग कोई किसी किस्म का कोई जुपिटर से लिंक्ड कोई इंस्टीट्यूट चलाते हैं, या किसी किस्म का कोई वीजा डिपार्टमेंट में लगे हुए हैं, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में लगे हुए हैं, उनके लिए मंथ बहुत रिवार्डिंग जाने वाला है। गाइज, आपके लिए हनुमान जी की भक्ति करनी, शिव जी की भक्ति करनी, विष्णु जी की भक्ति करनी इस मंथ में बहुत ज्यादा रिवार्डिंग रहेगी। अब जितना ज्यादा पॉजिटिव होकर आगे बढ़ेंगे गुड फॉर्चून उतना ज्यादा आपके लिए स्माइल करेगा। आपकी हार्डवर्क आपको बहुत अच्छा पे ऑफ करेगी। जितना ज्यादा आप हार्डवर्क होके डेडिकेशन के साथ आप काम करेंगे, सक्सेस आपके कदम चूमेगी। लेट्स स्टार्ट फॉर द सेजिटेरियस असेंडेंस फॉर नवंबर 2019। गाइस, आपके लिए सैटर्न का असेंडेंस में ट्रांजिट करना, वीनस का सन के साथ कंजक्शन करके रेट्रोग्रेड मोशन में आपके 11th हाउस में लिब्रा साइन में ट्रांजिट करना। गाइज, इस मंथ में कुछ विशेज आपकी फुलफिल होंगी, कुछ रुके हुए पेंडिंग काम आपके क्लिक होंगे, हायर अथॉरिटी से आपके बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट्स बनेंगे, नए दोस्त बन सकते हैं, गैदरिंग हो सकती है, फैमिली एटमोसफेयर पॉजिटिव रहेगा, आप काफ़ी अच्छा फील करोगे, काफ़ी कम्फर्ट जोन में रहोगे। इस मंथ में अगर मुझे कुछ अच्छा दिख रहा है तो गाइज, वीनस का आपके 11th हाउस में ट्रांजिट, जो कि नवंबर के सारे महीने में रहेगा, 17 नवंबर के बाद जैसे ही वीनस यहाँ पे डायरेक्ट मोशन में होंगे और सन 11th हाउस को छोड़ के 12th हाउस में ट्रांजिट करना शुरू करेंगे, आपको फॉरेन से कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ सकती है। जो लोग फॉरेन जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको जॉब मिल सकती है, जो लोग कोई बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं फॉरेन में उनको सक्सेस मिल सकती है। गाइज, वीनस का आपके 11th हाउस में ट्रांजिट आपकी विशेस को फुलफिल करेगा, आपके फॉर्चून में चमक पैदा करेगा, आपका हार्डवर्क आपको बहुत अच्छा पे ऑफ करेगा। सैटर्न का आपके असेंडेंस में होना आपको थोड़ा सा कंफ्यूज रख सकता है, आपकी चीज़ों में रिजल्ट उस तरह से नहीं होंगे जो आप एक्सपेक्टेड हो। ऑपोजिट सेक्स से आपको कुछ ना कुछ गेंस मिल सकते हैं, लेकिन गाइज इस समय में आपके साथ में कहीं ना कहीं से डीफेम यानी कि बदनामी का भी कुछ प्लैनेट्स की पोजिशन बनी हुई है। तो गाइज, जो भी करो सोच समझ के करो। अगर आपकी कोई फीमेल पार्टनर है या आप मेल हो तो फीमेल पार्टनर है या आपका मेल पार्टनर है तो गाइज उनके साथ बहुत ज्यादा स्वीट टॉक्स में रहो। इस समय में अपना रवैया उनके साथ ना इख्तियार करें, क्योंकि जो प्लैनेट्स की पोजीशन है कहीं ना कहीं पर मुझे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट में कमी बनती हुई भी दिखती है, क्योंकि सैटर्न आपके असेंडेंस में है। बट ओवरऑल गाइज, सोर्स ऑफ अर्निंग इस मंथ में मल्टीपल सोर्सेज से रहेगी, फाइनेंशियल टाइप्स आपके बहुत अच्छे रहेंगे, आपकी सेविंग्स में राइज होगा, बड़े भाई बहन आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे, फैमिली एटमोसफेयर बड़ा पॉजिटिव रहेगा। गाइज, आपके लिए सैटरडे वाले दिन नीडी लोगों को मेडिसिन डोनेट करना, जिन लोगों के पास दवाई लेने के मेडिसिन लेने के पैसे नहीं हैं उन लोगों को मेडिसिन लेके देनी, अगर ज़रूरतमंदों में से किसी का ऑपरेशन पे पैसा लगा देना, गाइज आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर आप ये रेमेडी करते हो फॉर्चून 6 टाइम आपका प्लस आपको रिजल्ट देगा, सैटर्न असेंडेंस में आपसे बहुत खुश होंगे और आपको अपनी ब्लेसिंग्स देंगे। गाइज, आप जितना ज़्यादा जो लोग फिजिकली प्रॉब्लम में हैं, जिनका शरीर ठीक नहीं है, अपाहिज है, अपंग है, उनको कुछ डोनेट करो या उनको मेडिसिन लेके दो, उतना ज़्यादा गुड गेन्स आपके लिए रहेंगे। लेट्स स्टार्ट फॉर द कैप्रिकॉर्न
असेंडेंस, फॉर कैप्रिकॉन असेंडेंस नवंबर 2019 गाइस, आपके लिए वीनस का रेट्रोग्रेड मोशन में सन के साथ कंजक्शन करके 10th हाउस में लिब्रा साइन में ट्रांजिट करना। इस मंथ के फर्स्ट पार्ट में गाइस आपके बिजनेस में, क्योंकि यहां पर सन वीनस के साथ नीच भंग राजयोग में है, कुछ अनएक्सपेक्टेड गेन हो सकते हैं। अगर आप जॉब करते हो, सीनियर्स आपकी परफॉर्मेंस से बड़ा खुश रहेंगे, फाइनेंसेस आपके अच्छे रहेंगे, डेली इनकम आपकी ग्रो करेगी। आपके गाइस अगर मुझे कुछ पॉजिटिव दिखता है तो राहु केतु के एक्सिस से मार्स का 6 नवंबर के बाद जो एक दूसरे से ये अलग हो रहे हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। सेविंग्स में राइज है, आपकी नेचर में चेंज आएगा, आप बड़े पोलाइट हो जाओगे, गुस्सा आपसे ख़त्म हो जाएगा। अगर कुछ हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं बीते काफ़ी समय में, तो आप काफ़ी रिलैक्स फील करोगे। गाइज आपके लिए नवंबर 2018 में आप जितना ज़्यादा लक्ष्मी माता की उपासना करते हैं, काली माता की उपासना करते हैं, जितना ज़्यादा काली माता के मंदिर विजिट करते हैं, गुड फॉर्चून उतना ज़्यादा स्माइल और शाइन करेगा। आपके लिए काली चालीसा का जाप करना आपके फॉर्चून को 10 टाइम प्लस करेगा। गाइज आपके लिए जो असेंडेंस लॉर्ड की इस समय पोजीशन बनी हुई है, क्योंकि डायरेक्ट मोशन में विर्गो साइन में ट्रांजिट कर रहे हैं, फॉर्चून पूरा आपके फेवर में है। गाइज जो आप चाहते हो वो आपको मिलेगा, आपका हार्डवर्क आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगा, आप लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी पे इस मंथ में जा सकते हो। सेकंड हाफ के बाद आप अगर कोई इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहते हो तो आप बिजनेस में बढ़ा सकते हो। अगर आप फर्स्ट हाफ में कुछ नए कॉन्ट्रैक्ट आप चाहते हो कि आप एफर्ट्स कर रहे हो उसके लिए, तो आपको नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे। गाइज ओवरऑल ये बड़ा ही ज़्यादा पॉजिटिव और अचीवमेंट्स वाला मंथ है। डिपेंड करता है आपके हार्डवर्क के ऊपर कि आप कितना किस लेवल का हार्डवर्क कर रहे हो, किस लेवल की माइंड में आपकी थिंकिंग है सक्सेस को लेकर। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है सक्सेस उसको मिलती है जो दूर का सोचता है और बड़ा सोचता है, छोटा सोचने वाला कभी कामयाब नहीं होता। सो गाइज ऑलवेज थिंक बिग एंड एंजॉय द नवंबर 2018। लेट्स स्टार्ट फॉर द एक्वेरियस असेंडेंस फॉर नवंबर 2018 गाइज। फॉर यू, आपके लिए इस मंथ में वीनस का सन के साथ आपके 9th हाउस में कंजक्शन, जुपिटर का मरकरी के साथ फर्स्ट हाफ ऑफ नवंबर में आपके 10th हाउस में कंजक्शन, असेंडेंस का लॉर्ड आपके 11th हाउस में। गाइस जो डायनामिक बन रहे हैं, फॉर्चून आपके फेवर में है, मिट्टी भी इस समय आपका सोना बनेगी। नवंबर 2018 में आपका हार्डवर्क आपको बहुत अच्छा रिटर्न्स देगा, नई इन्वेस्टमेंट से आप बड़े अच्छे प्रॉफिटेबल जर्नीज आपकी रहेंगी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपके लिए बड़ी हेल्पफुल रहेगी। अगर आप स्टॉक मार्केट में डील करते हैं, अनएक्सपेक्टेड गेन्स आपको सेकेंड पार्ट ऑफ द मंथ में होंगे। गाइज फाइनेंसिस आपके बहुत ज़्यादा अच्छे होने वाले हैं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल होने वाला है, फैमिली एटमॉस्फेयर अच्छा है। अगर मुझे कुछ नेगेटिव दिखता है इस मंथ में तो वो है आपकी हेल्थ। गाइज आप अपनी हेल्थ को लेकर बहुत अवेयर होकर चलें, स्किन रिलेटेड ट्रबल हो सकती है, बैक बोन रिलेटेड ट्रबल हो सकती है, डाइजेस्टिंग सिस्टम रिलेटेड ट्रबल हो सकती है, लिवर रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। गाइज आपके लिए योगा करना, जिम ज्वाइन करना, अपनी हेल्थ को लेकर थोड़ा सा टाइम अपनी हेल्थ पे देना, ये याद रखना। अगर आप दिन में आधा घंटा एक घंटा अपनी हेल्थ को दोगे तो आपकी हेल्थ आपका सारी ज़िंदगी ध्यान रखेगी। सो गाइज समझ के चलो, जो आप दे रहे हो वही आप पाओगे। तो गाइज आपको अपनी हेल्थ को लेकर मैं बार बार अलर्ट कर रहा हूँ एक्वेरियस असेंडेंस, क्योंकि जो ट्रांजिट हैं, जो आने वाला समय है, जो आने वाले मंथ्स हैं, वो आपकी हेल्थ को लेकर कुछ स्ट्रगलसम हैं। सो गाइज क्यों ना हम अभी से ही प्लान आउट करके चलें कि हमने अपने डेली शेड्यूल में हाफ एन आवर अपनी हेल्थ को देना है, जिससे हम आने वाले समय में किसी किस्म की कोई इलनेस का हमें सामना ना करना पड़े, जो आने वाले समय में मेजर रूप धारण करे। सो गाइज आपके लिए पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ना, फाइनेंसिस आपके सोच समझ के इन्वेस्टमेंट्स करनी, नो डाउट फॉर्चून आपके फेवर में है, नो डाउट वीनस का ट्रांजिट आपके 9th हाउस में चार चांद लगा रहा है आपके फॉर्चून में। बट फिर भी गाइस आंखें बंद करके किसी पे ट्रस्ट ना करें, कोई डॉक्यूमेंट साइन ना करें, किसी किस्म की उलझन में मत फंसें, कंट्रोवर्सी का पार्ट ना बने, पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ें। सैटर्न का 11th हाउस में ट्रांजिट नए दोस्त बनाएगा, गैदरिंग कराएगा, फैमिली एटमॉस्फेयर पॉजिटिव रखेगा, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी आपके लिए बड़ी प्रॉफिटेबल हो सकती है, फाइनेंशियल टाई अप्स आपके अच्छे रहेंगे। गाइस इस मंथ में काली माता की उपासना करनी, सैटरडे वाले दिन अपने वेट का 10th पार्ट काले चने या काले माँ की दाल मंदिर में या धर्मस्थान में डोनेट करना या लंगर घर में डोनेट करना, थर्सडे वाले दिन देग बनाकर गुरुद्वारा साहब में दान करनी, आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और रिवार्डिंग रहेगी। लेट्स स्टार्ट फॉर द पाइसेस असेंडेंस फॉर पाइसेस असेंडेंस नवंबर 2018 गाइस। फॉर यू, डायनामिक्स आपके फेवर में है गाइस, मुकद्दर में चमक है, जो काफ़ी लंबे समय से सोच रहे हो वो पूरा होने वाला है, नई इन्वेस्टमेंट्स होंगी, नए बिजनेस पार्टनर मिलेंगे इस मंथ में। फर्स्ट पार्ट आपके लिए बहुत रिवार्डिंग रहेगा, सेकंड पार्ट में जैसे ही वीनस डायरेक्ट मोशन में आएंगे आपको और ज़्यादा अच्छे सपोर्ट और बेनिफिट्स होंगे। गाइज सडन जर्नी हो सकती है, सडन फाइनेंशियल टाई अप्स हो सकते हैं, पार्टनरशिप हो सकती है, नया स्टोर खोल सकते हो, नया आउटलुक खोल सकते हो, नई इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो, स्टॉक मार्केट में गेन हो सकते हैं, पुरानी इन्वेस्टमेंट्स आपको बड़ा अच्छा रिटर्न्स दे सकती है। पाइसेस असेंडेंस इस समय सोचे नहीं, क्योंकि आप सोचने में जरूरत से ज़्यादा समय लेते हो, अपने दोस्तों के साथ टच में रहें, टॉकिंग टर्म्स में रहें, कम्युनिकेशन गैप्स
नहीं आने चाहिए, फ्रांसिस आपके डे बाई डे इम्प्रूव करेंगे, अगर आपके कॉम्युनिकेशन गैप नहीं आएंगे तो आपको कहीं ना कहीं से अनएक्सपेक्टेड गेंस बनता हुआ दिखता है, कोई पुराना स्टॉक आपका क्लियर होता हुआ दिखता है, रुकी हुई पेमेंट आपकी आती हुई दिखती है। इस मंथ में आपके लिए बहुत अच्छी अचीवमेंट्स, फेम, प्रोस्पेरिटी आपको देखने को मिलेगी। बट गाइज, एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, कभी कभी इंसान अपने पॉजिटिव समय में सोचने में ज़रूरत से ज़्यादा समय ले लेता है और वो समय, वो इवेंट जो होना होता है वो उसके हाथ से निकल जाता है। सो गाइज, एस्ट्रोलॉजी में हर एक चीज़ का एक पीरियड आता है, एक समय आता है, उस समय को आप जितना ज़्यादा पॉजिटिव वे के साथ आप इंजॉय करेंगे, चाहे नेगेटिव समय है तो उसको इंजॉय करो, अगर पॉजिटिव है तो उसको इंजॉय करो, बिकॉज ये एक प्लैनेट्स का साइकिल है, अंधेरे के बाद सवेरा, सवेरे के बाद फिर अंधेरा। दिस इज़ ए टेक्निक, ये भी नेचर की एक टेक्निक है। अगर दिन है तो रात है, उसी तरीके से बुरा समय है तो अच्छा समय है। पाइसेस असेंडेंस आपके लिए अब अच्छे समय की शुरुआत है, जो करना चाहते हो वो अपना दिल खोल के करो, दिमाग को खोल के करो, दूसरों पे भरोसा करके करो, क्योंकि आपको सामने से बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा। गाइस, आपके लिए विष्णु जी की उपासना करनी, आपके लिए थर्सडे को विष्णु जी के टेम्पल में देसी घी का दिया जगाना बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव और रिवार्डिंग रहेगा। नो मोर अबाउट दिस मंथली फोरकास्ट, विजिट माई वेबसाइट www.akastrology.com एंड मस्ट सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू लाइक माई वीडियो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।